यहाँ पे हम चढ़ाई कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है यार, थक जाते। अगर मिरर में देखोगे ना, अपने गोप्रो का ग्लास के ऊपर देखना, स्क्रैचेस आ गए। हेलो, व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। तो भाई, शिलोंग जो है ना, आके मेरे 2 दिन हो गए और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से एक पेपे वाटरफॉल से। हम मेघालय के अंदर ही अभी 3-4 दिन जो है ना मेघालय में घूमते रहेंगे। और हमारे साथ है अली भाई, जिनके साथ मैंने बैम्बो ट्रैक भी किया था। और अभी इनको मिल रहा है फिर से जल्दी, फिर रिटर्न आएंगे, हम जल्दी मिलेंगे। फिर रिटर्न आएंगे तो यहीं पे मिलके, यहाँ से ही मुझे जाना होगा, तो यहाँ पे जो है ना फिर से मिलेंगे अली भाई से। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पेपे वाटरफॉल्स, जो कि यहाँ से 81 किलोमीटर से पेपे वाटरफॉल्स कवर करके बाद उसके बाद कौन सा प्लेस है, क्रैंकसोरी वाटरफॉल, क्रैंकसोरी स्टोफा, उसका पर आपको मिल जाएगा। उसका पर आप जाइए डाउकी में स्टे कीजिए, कैंप कीजिए, टेंट लगाइए, मस्त वाला। हाँ, तो वही देखते हैं ज्यादा 81 किलोमीटर। और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, तो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ से निकलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं ना, इसमें पेट्रोल का प्राइस जो है ना बहुत कम है कंपेरेटिव टू हमारे यहाँ पे जितना प्राइस है ना उससे। यहाँ पे 96, 97, 98 उसी प्राइस में मिल रहा है पूरे स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्राइस हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 98 पे किया यहाँ पे। अभी 97 में मुझे पेट्रोल मिला था, मैंने जस्ट अभी टैंक फुल कर दिया अपनी स्कूटर की ना। मुझे जाना कहाँ से है, यस हमें जो है ना सिटी से निकलने में आज टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना स्कूटर का काम हो रहा था, तो मेरा ब्रेक भी बहुत लूज़ हो गया था, तो यहाँ पे रुक के मैंने अपना ब्रेक तो बनवा दिया है। तो भाई यहाँ पे एलिवेशन जो है ना बहुत ही ख़राब एलिवेशन है भाई। ऐसे एलिवेशन पे स्कूटर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और 45 मिनट्स में सिर्फ हम 8 किलोमीटर गाड़ी चला पाए। आई थिंक अभी यहाँ से ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी अपनी। ओहो भाई, यहाँ पे हम रुके थे कुछ खाने के लिए और इन्होंने तो हमसे पैसे ही नहीं लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया फिर भी, कहा कि आप घूम रहे हो ऑल इंडिया, और पैसे लेने से मना कर दिया ना। सामने जा रहे LML सेलेक्ट है आई थिंक ये, और इसमें जो है ना एक आपको देखोगे सीट रेस्ट जो है ना, उसमें आप बैक रेस्ट जो है ना आराम से एडजस्टेबल कर सकते हैं। बाइक कंपनी थ्रू आता है इसमें बैक रेस्ट। पता नहीं कि फोटो में नज़र आएगा या नहीं है, जैसे आप सामने देखोगे ना ये लाइट लाल कलर का लाइट दिख रहा है, उसमें बैक रेस्ट है जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, ये सब जो है ना पाइन ट्रीज है। पाइन बोलते इस चीज़ को देखो ना, ये चीज़ जो है ना कैंपिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और इसको जल्दी फायर लग जाते हैं, जैसे बोन फायर के लिए भी ये ना बहुत यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गिरे हुए ऐसी चीज़ें, बस यहाँ पे मैंने ट्रीज देखे जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। कुछ इंस्टाग्राम के लिए भी कुछ बनाना पड़ता है डेली, उसमें अपलोड करते हैं, तो उसी के लिए जो ना मैं यहाँ पे अंदर आया था कि तगड़ा वाला यहाँ पे कुछ शूट करते हैं, और वही शूट कर रहा था मैं अपनी स्कूटर का वीडियो। एंड बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, अभी देखना बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पे हमने शूट तो कर लिया है, बस अब यहाँ से निकलते हैं।
सामने दो राइडर्स हैं और पीछे भी तीन राइडर्स हैं, एक यूपी से है, सामने वाले असम से और पीछे पता नहीं कहाँ से है, ये कहीं जा रहे होंगे ना। हमें तो जाना है जो आई जॉय से शिलोंग जाते हुए भी ना मैं इसी रूट से गया था, तब भी यहाँ पे मुझे ट्रैफिक मिली थी और अब भी यहाँ पे ट्रैफिक है, ज़्यादा जगह ट्रक से यहाँ पे ना। ये राइडर्स भी वही जा रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं, केपी वाटरफॉल्स। यहाँ से 27 किलोमीटर है वाटरफॉल आदि, मुझे कहीं पे रुकना होगा ना। जो बाइकर्स निकले थे ना सामने, ये भी यहीं पे रुके हुए हैं और हम भी यहाँ पे रुके हुए। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है जो कि पहाड़, इसमें केव्स केव्स बना रखे हैं ना, आपको दिखाता है अंदर से। सो भाई यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए, अंदर ही केव ही केव बना रखे हैं। रीज़न पता नहीं किस लिए बना है और ये कब का बना है, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पर आराम से एक इंसान जो है ना खड़ा रख कर चल सकता है यहाँ पे। आराम से इंसान जो है यहाँ पे खड़ा रख के जो ना चल सकता है, बहुत ही खूबसूरत बना रखे है। लेकिन ये आई थिंक ये जो होल्स बना रखे ना, आई थिंक जो पक्का तो पता नहीं, क्योंकि मैंने पीछे जो ना एक जगह पे देखा जहाँ पे घर बनाने के लिए जो मिट्टी यूज़ करते ना उसके लिए उसको क्लीन करते हैं पहले, तो वहाँ पे वो मशीन लगी हुई थी, यानी मिट्टी निकाल के उसमें डाल के जो ना उसको क्लीन करते हैं। आई थिंक शायद ये घर बनाने के लिए यहाँ से मिट्टी निकाल रहे थे, पता नहीं एग्जैक्टली, देखेंगे अगर लोकल से किसी से बात हुई तो एक बार पूछ के जो ना ज़रूर बताएंगे आपसे। हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, उनको आने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन हमारी स्पीड भी जो बहुत स्लो है तो वो मुझे आराम से कवर कर लेंगे। वो भी फेफे फॉल्स जा रहे हैं, फेफे फॉल्स जो है ना यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है। सो गाइस, हमें इस रूट से जाना है, मैप तो दिखा रहा है, एंड रिटर्न आते हुए भी इसी रूट से आना है हमें। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे जो है ना आपको 50 रुपीज़ चार्जेस लेंगे, लेकिन 2 किलोमीटर का रास्ता जो है ना आई थिंक पूरा ऑफ रोड का है। सो गाइस ये रहा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, आप ड्रोन का भी नज़ारा यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे आने के लिए जो है ना आपको वहाँ से ऊपर से जो है ना ट्रैक कर चलते हुए यहाँ पे आना होगा। चल डाउन आते हुए तो डाउन है, लेकिन अभी चढ़ते हुए जो ना पूरी चढ़ाई है, ये अभी टास्क चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, बहुत ही क्रिस्टल क्लीन वाटर है ना यहाँ पे। और यहाँ पे 20 रुपये का एक टिकट लगता है, और ऊपर जब से ही आप ये करोगे ना वहाँ पे बाइक का जो ना 50 रुपीज़ का टिकट लगता है।
तो यहाँ से अभी जा रहे हैं, यहाँ से एक दूसरा एक प्लेस है करण कुछ नाम है, वो भी वाटरफॉल है, तो उसको कवर करते हुए जो ना आगे चले जाएंगे। देखते हैं आज शायद हो सके हम दावकी पहुँच जाए ना, दावकी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चढ़ाई कर रहे, थक रहे शायद, हमें जो है ना अपने राइडिंग गियर्स ऊपर ही रखना था, लेकिन यहाँ पे लोकल्स के दो ही दुकान थे जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया ना। मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक बार बाइक पार्क किया मैंने, वो प्लेस आपको नहीं दिखाया, सांस फूल रही है भाई, लेकिन व्यू के सामने जायज़ है सांस फूलना। ये देखिए यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। सो भाई ये थी प्लेस जो कि मैंने बाइक पार्क किया था। अगर मिरर में देखोगे ना अपने गोप्रो का ग्लास के ऊपर देखना, स्क्रैचेस आ गए। ये टेम्पर है लगा हुआ, बिस्मिल्ला। बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड है, क्रेजी क्रेजी। ऑफ रोड से ये निकल के सीधा मेन रोड पे आ गए, और यहाँ से जो ना हम जाएंगे अभी कंसोरी वाटरफॉल, जो कि यहाँ से अभी 9 किलोमीटर है। यहाँ का वेदर जो है ना बहुत ही, ये टाइम देखो अभी 3:16 हो चुके हैं, लेकिन धूप नहीं है लेकिन ठंड लग रही है। और अंदर जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा था ऊपर, तो पसीना ही पसीना हो गया था अंदर, तो पसीने की वजह से भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंड लग रही है ना। कंसोरी वाटरफॉल्स के लिए थोड़ा अंदर आना पड़ेगा, 1.2 किलोमीटर, एंड ये भी हल्का सा यहाँ पे भी ऑफ रोड ही है। जो हमने वाटरफॉल देखा ना अभी पीछे फेफे वाटरफॉल, उसी वाटरफॉल को कनेक्ट करता है ये भी वाटरफॉल। यहाँ पे ना अभी अभी नया रोड बना है और साइड में इसे मट्टी निकाल रहे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा जो है ना ऑफ रोड मिलेगा, उसके बाद जो है ना बहुत ही बढ़िया रोड है यहाँ पे। ये है यहाँ का पॉइंट, यहाँ से हमें चल के जाना होगा। जो है ना मैंने अपनी जैकेट भी निकाल दिया वहाँ पे, और अभी खाली बैग लेके जा रहा हूँ, राइडिंग पैंट तो है और शूज़, क्योंकि बिना जैकेट के जब चलते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, वो उसका तो वेट ही ज़्यादा है, ट्रैकिंग के लिए नहीं बनी है भाई वो जैकेट। ये है यहाँ का, यहाँ से उतरना, यहाँ तो बहुत बढ़िया स्टेट्स बना रखे हैं, उतरते हुए तो कुछ नहीं होता लेकिन जब चढ़ते ऊपर तब वाट लग जाती है अपनी। सो ये रहा यहाँ का वाटरफॉल, वाटरफॉल उतना फोर्स ये नहीं है, फोर्स नहीं है पानी के अंदर, बहुत ही कम है पानी,
क्योंकि ये अभी समर एंडिंग सीज़न चल रहा है, कुछ ही टाइम में जो ना अभी रेनी सीज़न होगा तब शायद जो ना बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर मैंने गूगल के अंदर देखा था तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था ये। यहाँ पे हम चढ़ाई कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है यार, थक जाते। यहाँ पे अभी इतनी चढ़ाई है, यहाँ से फिर भाई अपना स्कूटर के अंदर मैंने जो चार्जर लगाया था वो फिर से ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ना मेरा थोड़ा मूड ऑफ भी हो गया, क्योंकि चार्ज नहीं कर पाएंगे और किसी होटल में जाना, मुझे नहीं लगता कि होटल में जाना चाहिए मुझे, देखते फिर भी क्या होता है। भाई फाइनली हम आ चुके हैं अपने स्कूटर के पास और अभी मैंने राइडिंग गियर्स भी पहने हैं ना। अब टाइम देखो 7:05:24 हो चुका है एंड अभी यहाँ से हम जाएंगे दाउकी की तरफ। दाउकी जो है ना यहाँ से कितना आएगा, 29 किलोमीटर्स है दाउकी। एंड देखते हैं आज का स्टे हमारा कहाँ पे होता है। हाँ टाइम जो है ना अभी हमारे पास बहुत कम है, तो पहले देखते हैं कहीं पे कैंपिंग के लिए प्लेस मिलती है तो बहुत ही बढ़िया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे और यहाँ पे जो है ना हमने कैंपिंग किया है, बहुत ही बढ़िया जगह है यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। एंड बहुत सारे कैंपिंग है ना, आप यहाँ पे देखना टेंट ही टेंट है और इस साइड भी देखोगे यार डार्कनेस में नहीं दिख रहा है, कल सुबह मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए और ये कैंपिंग ही प्लेस है यहाँ पे। और यहाँ से बांग्लादेश जो है ना हार्डली 3 या 4 किलोमीटर रहेगा और एक रिवर है जो कि बांग्लादेश में भी वही रिवर जाती है, यहाँ से सामने रिवर के पास में ही बैठने कैंप टेंट लगाया है। और आज का दिन थोड़ा सा जो है ना क्या बोलते हैं टायर्ड हुआ, क्योंकि 2 महीने जो है ना ट्राई ये किया है चलना नीचे और ऊपर उठना, तो थोड़ा सा हार्ड रहा आज का दिन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं, तो मिलते किसी बढ़िया सी वीडियो के अंदर। यूहू।